हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड पेट्स लवर। फ्रेंड्स, विंटर में हमें अपने प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, मतलब हमें कम ही पानी देना है अपने प्लांट्स को। और जो डोरमेंसी में फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स चले जाते हैं, उनको तो बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि हमारा मनी प्लांट है, ये थोड़ा ग्रोथ करता रहता है, बिल्कुल डोरमेंसी में ये नहीं जाता है, तो इसमें पानी तो हमें सर्दियों में 6-7 दिन में ही देना है और चेक करके देना है मिट्टी जब बिल्कुल सूखी हो जाए। तो आप पानी ना दे के फ्रेंड्स जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो दे सकते हैं आप। 10 दिन में आप एक बार अपने प्लांट को दे दीजिए, उसी से हमारा मनी प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। और उसको सर्दी में हमें वैसा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी किचन में निकलता है फ्रेंड्स, दाल या चावल का पानी धो करके हम उसको दे सकते हैं 10-15 दिन में अपने प्लांट को। हमारे प्लांट की पानी की पूर्ति भी हो जाएगी और हमारे प्लांट को थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और हमारा प्लांट हरा भरा ग्रीन बना रहेगा। तो मैं यही करती हूँ फ्रेंड्स, और मनी प्लांट के लिए बेस्ट है फ्रेंड्स ये जो मैंने आज बनाकर अपने प्लांट को दिया है। और आपके किचन में डेली या 1-2 दिन में जब भी आप फ्रेंड्स बनाते होंगे दाल या चावल, धो करके जो पानी निकलता है उसे वेस्ट समझ के मत फेंकिए फ्रेंड्स। आप अपने मनी प्लांट में दीजिए, गुड़हल में दीजिए, मोगरा में दीजिए फ्रेंड्स। मधुकामिनी के लिए भी बहुत ही बेस्ट है वो, और मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में, मैं पानी नहीं फेंकती हूँ ऐसे धो करके। तो मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बेस्ट है फ्रेंड्स। ये देखिए चावल ऐसे धो करके जो पानी निकलता है, कितना इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं। और इसमें ये तो एनपीके का अच्छा सोर्स है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में है फ्रेंड्स। और हम इसको अपने प्लांट को देंगे तो हमारे प्लांट के जो भी फंगस वगैरह है वो भी ख़त्म होता है फ्रेंड्स, जो बेड बैक्टीरिया हैं वो इससे मर जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये अपने प्लांट को ज़रूर दीजिए और इसको बेकार समझ के फेंकने की भूल मत करिए फ्रेंड्स। तो मैं ये करती हूँ धो करके 3-4 बार अच्छी तरह धो करके जो चावल का पानी ये निकलता है, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा एज ए फर्टिलाइज़र काम करता है। तो मनी प्लांट में दीजिए, मधुकामिनी के लिए भी बेस्ट है, मैं इनको ज़्यादातर इसी में यूज़ करती हूँ। वैसे तो आप किसी भी प्लांट में आप इसको दे सकते हैं, ये देखिए। और देना कब है फ्रेंड्स, जब बिल्कुल मिट्टी सूखी हो आपके प्लांट की, तभी आप इसको यूज़ करिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा देखिए सब प्लांट में दूंगी, और मनी प्लांट में बहुत ही कम पानी आपको विंटर में देना है। और फ्रेंड्स, ये आप जैसा मैंने बताया 10 दिन में भी आप अपने प्लांट को ये एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए वाटर, जैसे पानी आप देते हैं ये दे सकते हैं। और ये मेरे प्लांट की देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है मनी प्लांट की अभी मेरे फ्रेंड्स। अभी इसकी थोड़ी स्लो हो जाएगी सर्दियों में ग्रोथ, लेकिन हमें अपने प्लांट को ये फर्टिलाइज़र दे करके अपने प्लांट की ग्रोथ बरकरार रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे प्लांट के पत्ते देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही शाइनी और बड़े बड़े पत्ते हैं फ्रेंड्स। और ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, और आपके मनी प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये मैं मधुकामिनी में भी बहुत यूज़ करती हूँ, मधुकामिनी के लिए भी ये बेस्ट है, एनपीके का अच्छा सोर्स है, हमारे प्लांट की फर्टिलाइज़र की पूर्ति होती है इससे, इसलिए इसको ज़रूर दीजिए, वेस्ट समझ करके फेंकिए मत फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है, विंटर में आप अपने प्लांट को ये फर्टिलाइज़र के रूप में दीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।